खाना बजा के मसाइल हल करो, गंदा पानी हल करो, गंदा पानी गंदा पानी ये मुसलसल जो मैंने एक सिस्टम शुरू किया था कि स्कीम लेके आए थे कि पूरे शहर के डेरे का सिस्टम हम सही करेंगे, नालियां खोद दी पूरे शहर को, खुदाई कर खुदा करे कब्रिस्तान बना दिया। मुसलसल इनसे रबते में रहे कि हमारी मार्केट का करियाना बाजार का मुसलसल है कि जो डेरे सिस्टम है मुकम्मल तौर पर तबाह है। मुख्तियारकार बुल्लो साहब है, 10 दफा उनको फोन किया, वो कह रहे कि हम मुहर्रम के कारों में लगे पड़े हैं और ये कर रहे हैं, अरबों रुपए लगा के इन लोगों ने खाली खुदाई तो कर दी है लेकिन काम को किसी भी हंगामी बुनियाद जो उन्होंने शुरू किया था किसी भी मंत्र के अंजाम तक पहुंचाने के बजाय उसको और भी बिगाड़ दिया गया। इसलिए देने सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह है। कहीं कहीं जहाँ जहाँ वो वीडियोज़ बना रहे हैं बड़े बड़े रोडों की और बड़े बड़े उनकी उसका बीच शहर का ताल्लुक उससे नहीं है ना। आप मिल्टी रोड की वीडियो बना लो, आप एयरपोर्ट रोड की बना लो, वो उस रोड का ताल्लुक जो है बीच शहर से नहीं आता। बीच जो मरकज के मार्केटें जो है घंटाघर हो गई, किराना बाजार हो गई, अनाज बाजार का हालात आप देखें आज भी, अगर आप देखें तो वहाँ पे कीचड़ के जो है ना ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं है, यूपी इंतजामिया नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। गंदा पानी चाहिए कि जिस तरीके से 2 महीने से सफाई सुथरे का काम चल रहा था कि बारिश होने वाली है लेकिन सारी पोल खुल गई। यहाँ पे मेयर सरकार सलाम साहब कह रहे थे कि यहाँ पे पानी नहीं खड़ा होगा लेकिन आप यहाँ अंदाजा लगा लें जुम्मे की बारिश से लेके अब तक आज इतवार का दिनों में पूरा करियाना बाजार डूबा पड़ा है, पानी से भरा पड़ा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं, लोग परेशान है, ताजिर परेशान है, हमारे ग्राहक हमारी दुकानों पर चढ़ नहीं सकते, इसलिए हमारे कारोबार में भी असर पड़ा है। हम यहाँ के इंतजाम से और म्यूनिसिपल से भरपूर मुतालबा करते हैं, बरए मेहरबानी यहाँ की सफाई सुथराई की जाए और यहाँ का पानी निकाला जाए। इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है सिर्फ फोटो सेशन पे लगी हुई है। आप सब ये देख सकते हैं हाल यहाँ का लगा हुआ है करियाना बाजार ड्राईफ्रूट मार्केट का, ये सबूत है कि यहाँ पानी कितना खड़ा हुआ है, सिवाय फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं है। ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी दुकानें बंद करें, एहतजाज करें, उनके खिलाफ मुजाहरे करें, इस तरीके से हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, बरसात ने खाना खराब कर दिया है, इतना फंड आता है न जाने कौन सी नकारत में हो जाता है कि हमें तो समझ नहीं आता कि मसाइल हल क्यों नहीं होते। आए दिन ये मसाइल खड़े हुए हैं, पंपिंग स्टेशन खड़े हुए हैं तो चलते नहीं है, सफाई स्टेशन घूम है, हम तो परेशान हाल हो गए। आखिर इस शहर में हो क्या रहा है, ये इसके लावारिसों का शहर है, अगर ताजिर इसके ऊपर एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे।